हेलो स्टूडेंट्स आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम स्टडी खजाना डॉट कॉम आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं संविदा तो आखिर ये संविदा होती क्या है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है इसके लिए थोड़ा सा पहले हिस्ट्री जान लेते हैं हिंदू लॉ में क्या था पहले हिंदू लॉ था सबसे स्टार्टिंग में हिंदू लॉ था तो हिंदू लॉ में दो चीजें हैं एक तो धर्म शब्द के अंदर ही कानून आता है दूसरा कि जो लोग थे वो धर्म को मानने वाले होते थे किसी से कोई वादा कर लिया ठीक है आपने सुना होगा रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन ना जाय मतलब एक बार जो प्रॉमिस कर ली किसी के साथ वो फिर हर हद तक निभानी है ठीक है तो उसके बाद ये तो बात हो गई हिंदू लॉ की इसके बाद मुस्लिम लॉ में भी शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका मतलब है बंधन मतलब एक बार आपने किसी से वादा कर लिया या कोई प्रपोजल किसी का एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आपको हर हाल में उसको मानना चाहिए अब धीरे धीरे ये काम राजा के पास पहुंच गया कि अगर किसी ने किसी के साथ कोई वादा किया और वो उसको पूरा नहीं करता है तब क्या होगा ठीक है तो फिर क्या हुआ स्टेट का उसमें इंटरफेयर होने लगा मतलब सिविल मैटर है अगर किसी ने किसी से कोई वादा किया और वो उसको पूरा नहीं करता है तो क्या होगा वो फिर आ, स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ को बेसिकली हम सिविल और क्रिमिनल में बांट सकते हैं सिविल और क्रिमिनल तो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो सिविल में आता है अब इसके बाद अंग्रेजों ने इसके लिए लॉ बना दिया जब अंग्रेज यहां पर आ गए तो बहुत सारे लॉ बने और फाइनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना दिया गया जो आज तक चल रहा है अब देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन टू एच इसके बारे में हमें बताता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट एक लाइन की डेफिनेशन दी हुई है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि एग्रीमेंट मतलब कि कोई भी समझौता सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या हो इनफोर्सेबल बाय लॉ विधि द्वारा परिवर्तनीय हो विधि द्वारा परिवर्तनीय का मतलब है कि आज आपने मैच लगाया कि भारत पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा और सौ रुपए का आपने किसी के साथ शर्त लगाई बेट लगाई और कोई एक उसमें हार गया तो ये एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, उनको ये जो एग्रीमेंट है वो फुलफिल नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट तो होगा सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसको इनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं आपने किसी को पैसे दे दिए अब सीधे शब्दों में समझिए आपको किसी ने आपने किसी को पैसे दे दिए यार नौकरी लगवा दो मेरी और दस लाख रुपए दे दूंगा गवर्नमेंट जॉब मेरी आप लगवा दीजिए उसने आपको भरोसा दिलाया कि मेरे उससे अच्छे संबंध हैं ये हैं वो हैं मैं किसी तरह से आपकी जॉब दिला दूंगा आप पांच लाख पहले दे दो पांच लाख उसके बाद में दे देना आपने पांच लाख रुपए दे दिए उसके बाद उसका कोई लिंक था ही नहीं वो नौकरी आपकी नहीं लगवा पाया अब देखिए दो चीज़ हैं। एक तो हो गया क्राइम उसने आपके साथ फ्रॉड किया क्या किया वो तो एक अलग चीज हो गई आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे हम बात यहां पर केवल कॉन्ट्रैक्ट की करेंगे कि क्या अगर वो पैसे लेने के बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे हुआ है अगर उसको पूरा नहीं करता है तो क्या आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं तो इसका जवाब है नो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्यों नहीं जा सकते हैं इसलिए नहीं जा सकते हैं इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अवैध करार ठीक है पब्लिक पॉलिसी के ये अगेंस्ट है इसलिए इस तरह का जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा वॉइड होगा तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और जो डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू एनसन एग्रीमेंट कंसिस्ट इन ए एक्शनेबल प्रोमिस और प्रोमिस एवरी सच प्रोमिस इनवॉल्व टू पार्टीज ए प्रोमिसर एंड प्रोमिसी एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ ए कॉमन इंटेंशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एस टू एक्ट फॉर बी प्रोमिस तो क्या एक और चीज आई कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रपोजल के साथ ऑफर हिंदी में इसको कहते हैं प्रस्ताव आप किसी को किसी काम को करने या ना करने के लिए क्या कहेंगे प्रस्ताव देंगे बी को मुझे अपना ये पेन बेचना है कि आप खरीदना चाहेंगे तो ये क्या हुआ एक प्रस्ताव हुआ अब बी कहेंगे यस और नो अगर नो कहा तो बात यहीं खत्म हो गई और अगर यस कहा तो क्या हुआ यह एक प्रॉमिस बन गई ठीक है अगर यस yes कहा तो क्या हुआ यह एक प्रॉमिस बन जाएगी प्रॉमिस बन जाएगी मतलब यह एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया अगर बाकी सारी शर्तें पूरी होती हैं तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया देखिए प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अगर प्रपोजल हुआ और प्रपोजल का एक्सेप्टेंस भी हो गया तो क्या हो गया प्रॉमिस बन गई और अगर उस प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन है मतलब कि प्रतिफल है प्रतिफल का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ए कह रहा है कि आप मेरा जो है मैं अपना पेन आपको बेचना चाहता हूं ठीक है तो ए क्या देता है बी को पेन और उसके बदले में बी बी क्या देगा उसको सपोज करिए पांच रुपए का पेन है तो बी उसको उसके बदले में पांच रुपए देगा तो एक बी को क्या मिला पेन मिला तो बी के लिए कंसीडरेशन क्या हुआ हिंदी में हैं, प्रतिफल तो बी को क्या मिला कंसीडरेशन में पेन और ए को क्या मिला पांच रुपए तो कंसीडरेशन कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर कंसीडरेशन इसके लिए जरूरी है विदाउट विदाउट कंसीडरेशन क्या होगा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन ट्वेंटी कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका शून्य हो जाएगा जीरो हो जाएगा वॉइड हो जाएगा अब देखिए प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन को बनाकर मिलता है एग्रीमेंट ठीक है पहला स्टेप प्रपोजल प्रपोजल की अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो प्रॉमिस बन गई और अगर प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन भी है तो वो एग्रीमेंट हो गया और अगर वो एग्रीमेंट ऐसा है जैसा कि सेक्शन टू एच कहता है कि फोर्सेबल बाई लॉ अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्स होने लायक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है पोलक ने कहा है एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है लेकिन शियल्स क्या है एक किसी कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व क्या है किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किसी जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या आवश्यक तत्व है वो हम देखेंगे उसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन टेन सेक्शन टेन क्या कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ध्यान दीजिए ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ए लॉफुल कंसिडेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड तो यहां बहुत सारी चीजें बता दी अभी तक कुछ भी नहीं था अब यहां बहुत सारी शर्तें बता दी हैं सारी शर्तों को देखना होगा क्या क्या कंडीशन है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए नंबर नेक्स्ट शर्त है कॉम्पिटेंट पार्टीज कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए पागल नहीं होना चाहिए आ, या अवेस्क नहीं होना चाहिए माइनर नहीं होना चाहिए आप कोई माइनर से जैसे कि केस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बड़ा फेमस केस है मोहरी बीबी धर्मोदास घोष माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा वाइड होगा तो कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए ऐसा नहीं है किसी बच्चे से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम मुझे एक टॉफी दे दो मैं तुम्हें मैं तुम्हें एक टॉफी दे रहा हूं तुम मुझे सौ रुपए दे दो बच्चे के हाथ में सौ रुपए हैं आपने उसको सौ रुपए लेकर अपनी जेब में रख लिए और उसको टॉफी दे दी है ना उसे वैल्यू की नहीं पता कि सौ रुपए ज्यादा है टॉफी ज्यादा है ठीक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता वो तो फ्रॉड होगा द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाई फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रिगर आपके यहां पर लगाया चाकू लगाया और कहा भैया साइन कर दो जल्दी एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दी साइन कर दीजिए पैसे दूंगा नहीं बिल्कुल भी ठीक है तो फ्री कंसेंट नहीं है इसके बाद है लॉफुल कंसिडेशन विधिपूर्ण जो आप प्रतिफल ठीक है विधिपूर्ण प्रतिफल का मतलब यह है कि मैं अगर आपसे कोई ऐसी चीज ले रहा हूं या आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में ऐसी चीज दे रहा हूं जो विधिपूर्ण नहीं है जो लॉफुल नहीं है मैं आपको पैसे के बदले में शराब दे रहा हूं या ऐसी कोई चीज जो बैन है ठीक है या जो अनलॉफुल है वो दे रहा हूं या और किसी तरह से जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट uh, आपका पूरा नहीं होगा इसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट अभी जैसे हमने बात किया कि लॉफुल uh, ऑब्जेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप किस लिए कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि वकील साहब आपने दूसरे वकील साहब को पैसे दे दिए कि आप आपको बोलना नहीं है ठीक है लेकिन उनकी बोलने की ड्यूटी थी तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं है इसी तरह से एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बैन कर, प्रोहिबिटेड करते हैं कि आप इस तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे कि व्यापार का जो अवरोधार्थ करार है वो शून्य होंगे और विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य होंगे ठीक है मतलब आप किसी की शादी से आप ये नहीं कह सकते कि एक लाख रुपए ले लो शादी मत करो उसने एक लाख रुपए भी ले लिए शादी भी कर ली तब भी क्या होगा आप उससे अपने पैसे वापस नहीं ले सकते वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उसने लेकिन आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं ठीक है इसी तरह से आपने किससे कहा आपकी दुकान है सामने किसी दूसरे ने दुकान खोल ली आपने उससे कहा भैया दस हजार रुपए लो यहां से दुकान बंद करो उसने दस हजार रुपए ले लिए अगले दिन दुकान खोल ली ठीक है क्योंकि ऐसे जो एग्रीमेंट हैं वो क्या है वो अनलॉफुल है वो वॉइड है ठीक है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली बिल्कुल वॉइड बताए गए हैं और इसीलिए आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं वेगर एग्रीमेंट बाजी के करार शर्त वाले जो करार होते हैं शर्त वाले जो एग्रीमेंट होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा ऐसा हुआ तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा ये वो इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं वो उसके लिए इनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है वो ठीक है वो वॉइड है और उसके लिए आपको कोई रेमेडी नहीं मिल सकती है इसके अलावा अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स इफ नेसेसरी मस्ट बी सेटिस्फाइड तो अगर इसके अलावा कोई और लीगल रिक्वायरमेंट्स कहीं पर जरूरी है जैसे कई बार क्या होता है कि आपने कोई चीज खरीदी उसका या कोई जमीन खरीदी तो वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की सबसे पहले सेक्शन टेन इंपोर्टेंट है तो डेफिनेशन हो गई कॉन्ट्रैक्ट की और उसके बाद सबसे जो इंपोर्टेंट है सेक्शन टेन जो कि हमें यह बताता है कि कौन कौन से मतलब कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको इस जो वीडियो में समझने में आ, 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 आसानी हुई होगी इसी के साथ बने रहिए स्टडी खजाना डॉट कॉम पर थैंक यू Terima kasih telah menonton